नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है म्यूजिक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन सभी तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, शेयर किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा हमने कैसे वेस्टर्न नोट्स को और इंडियन क्लासिकल के स्वरों को लिखते हैं, आज हम कैसे इनको हारमोनियम पे बजाना है, कीबोर्ड पे बजाना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हारमोनियम पे। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली वेस्टर्न नोट्स और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के स्वरों की। पिछली वीडियो के साथ इसको मैं रिलेट करता हूँ, आप सब ने पिछली वीडियो में देखा ही है कि कैसे उनको लिखते हैं और कैसे इनको बोलते हैं। आज हम हारमोनियम पे इसको बजा के देखते हैं कि सी कहाँ पे है, डी कहाँ पे है और सी शार्प कहाँ पे है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हारमोनियम की तरफ। हारमोनियम का सबसे पहले जो वाइट की है लेफ्ट साइड पे, इसको हम ऑक्टेव का आपने वीडियो देखा होगा उसमें मैंने इसको सा बोला था, तो यही सा को वेस्टर्न में हम सी बोलते हैं, मतलब सी कहें सा कहें एक ही बात है। आगे चलते हैं रे, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, तो ये सारे के सारे जो नेचुरल नोट्स है जो वेस्टर्न नोटेशन में यूज होते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, और ये वाला सी हो जाएगा क्योंकि अगला ऑक्टेव शुरू हो जाएगा और उसको कंप्लीट करने के लिए हमने इस सी को भी बजाएंगे। आइए बजा के देखते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे नेचुरल नोट्स। आगे चलते हैं शार्प नोट्स कौन से हैं। ये हमारा सी है और ये हमारा सी है और सी के बिल्कुल साथ वाला जो नोट है वो है ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक, वो है सी शार्प। सी, सी शार्प, ऐसे ही डी, डी शार्प, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प और लास्ट बी। तो ये सात नेचुरल नोट है वेस्टर्न में और ये जो पांच ब्लैक आप देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे के सारे शार्प टोन है। सी, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प, ये सारे के सारे शार्प टोन है और ये सारे के सारे नेचुरल नोट्स हैं। इसी तरह अगला ऑक्टेव देखते हैं जो यहां से शुरू होगा। इस ऑक्टेव में फिर सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, फिर सी आ गया क्योंकि वो नेक्स्ट ऑक्टेव है, तो ये सारे के सारे नेचुरल है और ये ऊपर वाले के सारे शार्प टोन है। थर्ड ऑक्टेव में भी ऐसे हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी और लास्ट सी, ये सात नेचुरल नोट हैं और ऊपर वाले जो हैं वो है शार्प टोन। तो हम इनको एक बार सबको बजा के देख लेते हैं। तो दोस्तों ये था हारमोनियम के ऊपर वेस्टर्न नोट्स कैसे बजाए जाते हैं और कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। चलते हैं कीबोर्ड की तरफ। दोस्तों ये है हमारे पास कीबोर्ड जिसका ब्रांड है केसियो, मॉडल है CTK 2550। मैं आपको दिखा देता हूं जूम करके, ये देखिए ये इसका ब्रांड है और ये इसका मॉडल नंबर है
और ये इसकी डिस्प्ले है जहाँ पे टोन पियानो चल रहा है। अब इसको हम हारमोनियम बना देते हैं 247 पे। 247 अब इसको हमने बना लिया है 247 हारमोनियम। चलिए चलते हैं कीबोर्ड की स्टार्टिंग पे। तो दोस्तों जो सी है सबसे पहले हमारी, आप जान ही चुके हैं कि हारमोनियम पे हमने बजाया था। जो फर्स्ट नोट है वो हमारा सी है जिसको हम सा बोलते हैं। इसको भी हम ऐसे ही कीबोर्ड पे बजाएंगे, सात नेचुरल नोट और ऊपर शार्प। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारे नेचुरल नोट हैं और ऊपर वाले शार्प, सी सी शार्प, डी डी शार्प, एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प। अगले ऑक्टेव पे चलते हैं, यहां से शुरू करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट ऑक्टेव है, नेचुरल नोट्स वाइट और ऊपर वाले ब्लैक वाले, फर्स्ट ब्लैक सी शार्प, सेकंड ब्लैक डी शार्प, थर्ड ब्लैक एफ शार्प, फोर्थ ब्लैक जी शार्प और फिफ्थ ब्लैक ए शार्प। टेप पे चलते हैं दोस्तों, जो हमारा यहां से शुरू होता है। ऊपर वाले ब्लैक जो है वो शार्प टोन है, नीचे नेचुरल नोट्स हैं। नेक्स्ट ऑक्टेव, उससे नेक्स्ट, तो दोस्तों ये था हमारा आज प्रैक्टिकली हारमोनियम और कीबोर्ड के ऊपर वेस्टर्न नोट्स को कैसे बजाना है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है। मुझे लगता है आपको ये चीज आज समझ आ गई है। अगर आपके पास कीबोर्ड या हारमोनियम है तो आप एक बार जरूर बजा के देखें। और जाते जाते दोस्तों, अगर हमारी ये छोटी सी एफर्ट आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस आप तक पहले पहुंच पाए।